हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी और आज हम लोग बात करेंगे एचटी लाइन और एलटी लाइन के बारे में। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में हमने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में सीखा था कि ट्रांसमिशन लाइन में पावर कैसे फ्लो होता है, पर जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक जो ट्रांसमिशन लाइन आती है वो एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है, जिसे हम एलटी लाइन और एचटी लाइन कहते हैं। तो एलटी लाइन और एचटी लाइन में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी लाइन को हम एचटी लाइन कहेंगे और कौन सी लाइन को हम एलटी लाइन कहेंगे, इन सब टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि एलटी लाइन और एचटी लाइन का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, एलटी लाइन का मतलब होता है लो टेंशन लाइन। लो टेंशन लाइन का मतलब है लो वोल्टेज लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टेंशन को हम नॉर्मली वोल्टेज से डिनोट करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लो टेंशन सुनेंगे तो इसका मतलब होगा लो वोल्टेज लाइन, और जब भी आप एचटी लाइन के बारे में कुछ सुनेंगे तो हाई टेंशन का मतलब होगा हाई वोल्टेज लाइन। तो बेसिकली ट्रांसमिशन को दो पार्ट में हमने जो डिवाइड किया है वो हो गया हाई वोल्टेज लाइन और लो वोल्टेज लाइन। दोस्तों, अब बात आती है कि लो टेंशन लाइन और हाई टेंशन लाइन में फर्क क्या होता है। हमें एक ऐसा पता चलेगा कि कौन सी लाइन लो टेंशन लाइन है और कौन सी लाइन हाई टेंशन लाइन है। तो देखिए, जो लो टेंशन लाइन होती है उसका वोल्टेज लेवल अप टू 11 केवी रहता है। मतलब अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 415 वोल्ट, 3.3 केवी या 6.6 केवी पर हो रहा है तो ऐसी लाइन को हम लो टेंशन लाइन या लो वोल्टेज लाइन कहेंगे। मतलब अगर पावर का ट्रांसमिशन अप टू 11 केवी तक किया जा रहा है तो उसे हम लो वोल्टेज लाइन या लो टेंशन लाइन कहते हैं। पर अगर पावर का ट्रांसमिशन 11 केवी से 33 केवी के बीच में हो रहा है तो वो हम कहेंगे कि ये पावर ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज लाइन या हाई टेंशन लाइन से हो रहा है। तो बेसिकली लो टेंशन लाइन और हाई टेंशन लाइन को वोल्टेज लेवल पे डिवाइड किया गया है कि अगर ट्रांसमिशन अप टू 11 केवी पे हो रहा है तो उसे हम कहेंगे लो टेंशन लाइन, और अगर ट्रांसमिशन 11 केवी से 33 केवी तक हो रहा है तो उसे हम कहेंगे हाई टेंशन लाइन। और अगर दोस्तों पावर ट्रांसमिशन अबाउट 33 केवी पर करना हो तो जो लाइन हम यूज करेंगे उसे कहा जाएगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। तो इस तरह वोल्टेज लेवल के हिसाब से ट्रांसमिशन लाइन को इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में डिवाइड किया होता है। दोस्तों, मैं आपको एक तरीका और बताता हूं कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन हाई वोल्टेज कैटेगरी में आएगी और कौन सी लो वोल्टेज कैटेगरी में आएगी। देखिए, हम फिजिकल अपीयरेंस से भी बता सकते हैं कि जो लाइन गई है वो हाई टेंशन कैटेगरी में है या लो टेंशन कैटेगरी में है। दोस्तों, जो ट्रांसमिशन लाइन गई है वो अगर हाई वोल्टेज कैटेगरी में होगी, मतलब अगर ट्रांसमिशन 11 केवी से 33 केवी के बीच रहेगा या 33 केवी के ऊपर के वोल्टेज लेवल पर अगर पावर ट्रांसमिट हो रहा है तो वो लाइन डेल्टा कनेक्टेड होगी। इसका मतलब ये होगा कि उन ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट कहीं नहीं होगी, फोर्थ वायर कहीं यूज किया हुआ नहीं होगा। तो दो टावर के बीच में जो लाइन जा रही है उसमें अगर तीन ही लाइन है, सिर्फ आर, वाई और बी, तीन ही फेज यूज किए हैं, फोर्थ लाइन कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो वो लाइन हाई वोल्टेज लाइन है। इसी के अगेंस्ट दोस्तों, अगर लो टेंशन लाइन जा रही हो किसी दो टावर के बीच में तो आपको टोटल चार लाइन दिखेगी दो टावर के बीच में, क्योंकि लो टेंशन लाइन में न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसलिए हम थ्री फेज फोर वायर सिस्टम यूज करते हैं लो टेंशन लाइन में, यानी कि आर, वाई, बी और आपका फोर्थ लाइन होगी न्यूट्रल की। और अगर हाई टेंशन लाइन है तो ये थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम बेस्ड आपका सिस्टम रहेगा, जिसमें सिर्फ तीन ही लाइन आपको दो टावर के बीच में जाते हुए दिखेगी। तो इस तरह फिजिकल अपीयरेंस से भी हम ये पता कर सकते हैं कि अगर थ्री फेज थ्री लाइन सिस्टम दिखाई दे रहा है तो वो हाई टेंशन लाइन है, और थ्री फेज फोर वायर सिस्टम दिखाई दे रहा है तो ये लो टेंशन लाइन है। दोस्तों, अभी तक आपने ये तो समझ लिया होगा कि हाई टेंशन लाइन और लो टेंशन लाइन क्या होती है। हम ये कैसे बता सकते हैं कि कौन सी लाइन हाई टेंशन कैटेगरी में है और कौन सी लो टेंशन कैटेगरी में आएगी। बट दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना ही नहीं है, हाई टेंशन लाइन और लो टेंशन लाइन में जो इंसुलेटर्स यूज्ड होते हैं ये भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि लो टेंशन लाइन का वोल्टेज लेवल कम है तो उसमें जो इंसुलेटर्स हम लाइन में यूज करेंगे वो अलग कैटेगरी के होंगे, और हाई टेंशन लाइन का वोल्टेज कंपैरेटिवली ज्यादा है
तो इंसुलेटर का सिलेक्शन उस बेसिस पे किया जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि लो टेंशन लाइन में जो इंसुलेटर यूज्ड होते हैं उसे हम स्मॉल पिन टाइप इंसुलेटर या शैकल टाइप इंसुलेटर कहते हैं। ये बेसिकली दोस्तों एक कॉमन इंसुलेटर्स होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन को टावर से इंसुलेट करते हैं। ये जो लो स्मॉल पिन टाइप इंसुलेटर और शैकल टाइप इंसुलेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बेसिकली डिजाइन किया गया है लो टेंशन लाइन के वोल्टेज लेवल के हिसाब से। दोस्तों अब हम बात करते हैं हाई टेंशन लाइन में यूज होने वाले इंसुलेटर्स की। तो देखिए हाई टेंशन लाइन में जो इंसुलेटर यूज होते हैं वो है पिन टाइप इंसुलेटर और डिस्क टाइप इंसुलेटर। दोस्तों यहाँ जो पिन टाइप इंसुलेटर यूज हुए हैं उसका इंसुलेशन क्लास हाई वोल्टेज के हिसाब से डिजाइन है, क्योंकि हमने देखा लो टेंशन लाइन में भी पिन टाइप इंसुलेटर यूज किया गया है, तो वहां जो पिन टाइप इंसुलेटर है उसका इंसुलेशन क्लास लो वोल्टेज के हिसाब से डिजाइन है। एचटी लाइन में जो पिन टाइप इंसुलेटर यूज हुए हैं उसका इंसुलेशन क्लास हाई वोल्टेज के हिसाब से डिजाइन किया हुआ रहता है। और दोस्तों रही बात डिस्क टाइप इंसुलेटर की, तो डिस्क टाइप इंसुलेटर क्या होते हैं, अगर आपके ट्रांसमिशन लाइन 33 केवी की है तो मैं तीन डिस्क लगाऊंगा, क्योंकि एक डिस्क का जो इंसुलेटर होता है उसकी कैपेसिटी 11 केवी की होती है। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन फॉर एग्जांपल 33 केवी की है तो टोटल हम इंसुलेटर तीन डिस्क टाइप इंसुलेटर यूज करेंगे, ताकि 11 11 11 करके 33 केवी का जो आप कि ट्रांसमिशन लाइन है उसको प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड किया जा सके। अगर जो पावर ट्रांसमिशन लाइन अगर 66 केवी के आपने यूज की है तो हम 6 डिस्क टाइप इंसुलेटर लगाएंगे, ताकि 66 केवी का जो पावर है उसके अकॉर्डिंग हम इंसुलेशन लाइन में प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह दोस्तों इंसुलेटर पे भी डिविजन रहता है कि हाई टेंशन लाइन में कैसा इंसुलेटर यूज होगा और जो लो टेंशन लाइन है उसमें किस तरीके का इंसुलेटर यूज होगा। ये भी एक क्लासिफिकेशन है दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस बताने के लिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ हाई टेंशन लाइन और लो टेंशन लाइन के स्कोप के बारे में। मतलब ये कैसे पता चलेगा कि हाई टेंशन लाइन हम कहाँ यूज करें, हाई टेंशन लाइन हमें कहाँ देखने को मिलेगी और लो टेंशन लाइन का एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ पर रहेगा। देखिए पूरे पावर सिस्टम में आप किस वोल्टेज लेवल तक हाई टेंशन लाइन को यूज करोगे और ये कैसे पता चलेगा कि ये वोल्टेज लेवल अब ऐसा आ गया है कि अब आगे जो भी लाइन जाएगी वो लो टेंशन लाइन होगी, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे पावर प्लांट में वोल्टेज का जनरेशन मान लीजिए 11 केवी पे हुआ, तो 11 केवी को स्टेप अप करके जो हम ट्रांसमिट करेंगे पावर, इसमें जो ट्रांसमिशन लाइन यूज होगी वो हाई टेंशन कैटेगरी की होगी, क्योंकि हमने देखा 11 केवी से ऊपर की जो भी पावर ट्रांसमिशन लाइन है ये हाई टेंशन लाइन या एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन के कैटेगरी में ही आएगी। अब हाई टेंशन लाइन में एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एचटी लाइन में हमेशा ट्रांसफॉर्मर्स का यूज किया जाएगा वोल्टेज को स्टेप डाउन करने में। बीच में जगह जगह सबस्टेशन बने होंगे जहां पावर को 440 केवी से मान लीजिए 33 केवी पे स्टेप डाउन करेंगे, थोड़ा किलोमीटर आगे जाने के बाद एक और सबस्टेशन होगा जहां 33 केवी को 11 केवी में स्टेप डाउन करेंगे। तो हाई टेंशन लाइन में जगह जगह सबस्टेशन बने होंगे जहां कंटिन्यूसली वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाएगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन लो टेंशन लाइन में दोस्तों कहीं भी ट्रांसफॉर्मर का यूज नहीं होता। हमारे घर के बाहर जो एच पोल पे ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है जहां मान लीजिए 11 केवी की सप्लाई आई है, तो उस 11 केवी के सप्लाई के बाद से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके घर के तरफ उसके बीच में कहीं भी ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा होगा। एच पोल पे जो ट्रांसफॉर्मर लगा है वो वोल्टेज को 11 केवी से 415 वोल्ट में स्टेप डाउन करेगा और उसके बाद फिर आपके घर में पावर डिस्ट्रीब्यूट फेज न्यूट्रल के हिसाब से कर दिया जाएगा। तो लो टेंशन लाइन में ट्रांसफॉर्मर हम कहीं भी यूज नहीं करते हैं वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए, लेकिन हाई टेंशन लाइन में जगह जगह सबस्टेशन बने रहते हैं जहां पर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है हाई टेंशन लाइन और लो टेंशन लाइन के बारे में। तो दोस्तों आज हमने सीखा हाई टेंशन लाइन और लो टेंशन लाइन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।